जय नमरे भाई, हाँ मैं संतोष यादव। जब करो नई चीज होती है ना, एकदम साफ सुथरी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसको यूज करते जाते हैं, बहुत सारी गंदगी वो चीज़ अब जम जाती है। अगर वो गंदगी आप साफ नहीं करेंगे, चीज एकदम बेकार हो जाएगी, भ्रष्ट हो कोने में पड़ी होगी। ऐसे ही हमारी बॉडी है, कुछ न कुछ हम सालों साल से खा पी रहे हैं और वो खाते तो कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है। खाना पचाने के चक्कर में हमारे पेट में बहुत सारी गंदगी जम जाती है। अगर वो गंदगियों को आप साफ नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे बॉडी से, आपको समस्याएं क्या होंगी, आपकी गैस की समस्या होगी, कॉन्स्टिपेशन समस्या होगी, अपच होगा, कब्ज होगा, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपको ढेर सारी बीमारियां और समस्याएं घेरने लगेंगी। तो बॉडीया की और पेटवा में जमी हुई गंदगी कैसे साफ करें, बाहर कैसे निकाले, इन बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। एक बहुत ही आसान तरीका जिसके बारे में आपने सही समझ लिया ना, बिना कोनो पैसा, बिना कोनो ड्रामेबाजी के आप आसानी से पूरी बॉडी गंदगी निकाल के बाहर फेंक देंगे और अपने आपको फिट, एक्टिव और तगड़ा बना लेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स डू ले फिर आ गए। हमारे भाई, जौन चीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं ना, वो अधिकतर हर एक आदमी घर में होता है, लेकिन लोग इसको हल्के में लेते हैं। लेकिन ये चीज हमारे भाई आपको फिट, एक्टिव और आपकी बॉडी पूरी गंदगी, आपकी पेट जमी हुई गंदगी को बाहर कर सकती है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है टर्मरिक हल्दी, देसी भाषा में इसे बोलते हैं हल्दी। हल्दी तो हर एक इंसान घर में होती है, लेकिन लोग इसे मुर्गा, मछली और सब्जी बनाने के लिए ही सोचते हैं। नहीं मेरे भाई, हल्दी को हल्के मतलब ओवरऑल आपको फिट बना सकती है, हेल्दी बना सकती है, आपकी बॉडी गंदगी दूर कर सकती है और आपकी बॉडी बना के मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब आप कहेंगे, संतोष भाई हल्दी से इतना फायदा कैसे होता है, क्या चीज है हल्दी में, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं हमारे भाई। इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला इसका फायदा हम आपको बताते हैं हमारे भाई। पहला फायदा क्या है पता है? रिकवरी करने में, बॉडी को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। रिकवरी मतलब क्या है? अगर आप वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, कसरत वसरत करते हैं ना, दूसरे के दिन आपकी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द करती है, हड्डियां दर्द करती रहती हैं। हम जाते हैं वर्कआउट करने, मसल उसका तोड़ डालते हैं, उसको रिकवर करने में, उसको जोड़ने में, फिर से वापस एकदम मजबूत तरीके से जोड़ने में ये हल्दी या टर्मरिक तुम्हारी हेल्प करेगा। और बॉडी में अगर कहीं भी दर्द रहता है ना, पूरा खींच के एकदम बाहर निकाल के फेंक देता है, का ये तुम्हारा हल्दी है। दूसरे का बहुत तगड़ा फायदा है क्या है पता है? हल्दी जो है टर्मरिक की शुरुआत जो है, ये तुम्हारा हार्ट प्रॉब्लम जो है, हृदय रोग जो होता है, दिल की बीमारियां जो होती है, उससे आपको बचा देता है, उससे आपको प्रिवेंट करने में, सेफ रखने में बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। तीसरा का जो फायदा है ना, ये हम नहीं बोल रहे हैं, साइंस बोलता है, आयुर्वेद बोलता है, का है ये हल्दी जो है ना आपको कैंसर से बचा सकती है। कैंसर की समस्याएं बॉडी में होने से ही आपको बचा सकती है, इसमें इतनी तगड़ी प्रॉपर्टीज होती है, इसमें ऐसा लक्षण पाया जाता है। चौथा फायदा इसका क्या है पता है, जो सबको जरूरी है मेरे भाई, का है? दिमाग वाला प्रॉब्लम का। दिमाग आपका तेज करने में, मेमोरी साफ करने में, तगड़े तरीके से दिमाग आपका काम करे, उसमें का हेल्प करेगा? ये तुम्हारा हड्डी। पांचवा इसका फायदा क्या है पता है? ये हमारी बॉडी गंदगी, खून साफ करने में, लीवर साफ करने में, पेट की जमी हुई गंदगी साफ करने में ये हल्दिया हेल्प करता है। अभी तो हुआ इसका फायदा, लेकिन इसको लेना कैसे, कब कैसे, कितना लेना है तभी कोनो फायदा करेगा, कहे भी ना, हर एक चीज का भैया एक तरीका होता है। अगर आप तरीके से चीज नहीं प्रयोग करेंगे, आपको कोनो फायदा नहीं होगा। तो गुरु टर्मरिक जो होता है ना, हल्दी का पौधा जो होता है ना, हाइसे टाइप होता है, जैसे हेई पौधवा है ऐसा ही टाइप होता है, थोड़ा सा उसका पत्ती अलग टाइप होता है, लेकिन सेम टू सेम ऐसा ही टाइप होता है, और ऊपर नहीं फटता है, वो नीचे जमीन के नीचे जहां उसका जड़ होता है उसमें फटता है, और उसको गांठ टाइप होता है, ऐसे गांठ गांठ टाइप, उसको निकाल कर सुखवा के, थोड़ा प्रोसेस होता है, सुखाई के गांठ टाइप होता है, गांठों टाइप बिकता है, और पाउडर करके भी, पन्नी में पैक करके, पैकेट पैक करके बिकता है। हमको लेना कैसे, हमको पाउडर फॉर्म में लेना है, ठीक है? आप गांठ वाला एक पाउडर कर लो या पाउडर खरीद लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हल्दी होनी चाहिए बस। कैसे करना है आपको, पूरे बॉडी के लिए, रिकवरी के लिए, तगड़ा बनाने के लिए, फिट बनाने के लिए, थोड़ा सा गुनगुना दूध होगा और उसमें अगर हल्दी डाल दे रहे हैं आप, ऐसे मिक्स करके पी ले रहे हैं, कब पी ले रहे हैं? दिन में, चाहे रात में, चाहे सुबेरे, चाहे संजा, चाहे जब पी ले रहे हैं, लेकिन रात में सोने टाइम जब जाने लगते हैं लोग, तभी ज्यादा फायदा करते। सुबेरे जब उठेंगे ना, आपके अंदर अलग ही ताकत रहेगी, सुस्ती फुस्ती रह रहेगी, आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा, आपकी बॉडी एकदम दर्द फ्री रहेगी, आपके अंदर थोड़ा सा अलग ही टाइप एनर्जी लगेगी, आपके चेहरे में अलग टाइप से उमंग दिखेगी। दूसरा का तरीका ही है, हमारे लीवर को हल्दिया साफ कैसे करती है, आप खाना खा लो, ठीक है? खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, खाना खाने के आधे घंटे बाद थोड़ा गुनगुना पानी में क्या करो, एक चम्मच हल्दी डाल दो, या मोहना में हल्दी डाल ले यार, पनिया ऊपर से पी ले, तो ऊपर डिपेंड बा, गुनगुना पानी में एक चम्मच हल्दी डाल के इसे मिला के पी ले, या तो एक चम्मच हल्दी मोहना में डाला, ऊपर से पानी पी के हटा दे। इससे क्या होगा ना, आपका लीवर डिटॉक्स करने में, लीवर की जो गंदगी होगा, कांच कैसे साफ करके ये हल्दिया हटा दे। सालों से हमने कुछ कुछ भूल रहे हैं, खाए रहे हैं, बहुत सारी गंदगी हमारे पेट में जमी हुई है, बहुत सारी गंदगी हमारे खून में, बॉडी में जमी हुई है, उसको साफ करने में हल्दी कैसे काम करेगी, इसके लिए तुमको चाय बनाना पड़ेगा। कौन चाय? हल्दी वाली चाय। हल्दी वाली चाय कैसे बनती है, उसके बारे में बात करते हैं हमारे भाई। क्या करना होगा, पहले आपको गैस जलानी होगी, गैस जलाने के बाद कौनो चीज में पानी डाल लो, कितना, एक गिलास पानी डाल लो, कहीं अगर अपने लिए बना रहे हो, एक गिलास डालोगे ना, उसमें क्या करना है, दो चम्मच हल्दी रेल दो, और उसमें क्या करो, लगभग 10 से 12 पत्ता तुलसी पत्ती डाल दो, तुलसी पत्ती डालने के बाद 7 से 8 काली मिर्च कूट के
मुहिम डाल दो, उबाल दो तीनों चीज, हल्दी, तुलसी, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, चीनी पीनी ना डालो, अगर मन करे तो गुड़ डाल लो, लेकिन चीनी वगैरह ना डालो, ये सारा नुकसान कर देगा। तो जब उबल जाएगा उसको छान लो छन्नी से, और जब उसका जोन रसवा बना है, चाय टाइप जोन बना है, एकदम जरत रहेगा तब नहीं, थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब उसे आप पियो। जब आप पियोगे ना, आप देखोगे हफ्ते में 1 से 2 दिन ही प्रक्रिया करोगे, आप देखोगे आपकी पूरी गंदगी डे बाय डे आपकी बॉडी साफ हो रही है, खुनवा गंदगी साफ हो रही है, बॉडी गंदगी साफ हो रही है। इससे क्या होगा, आपके चेहरे में चमक आएगी, आपका हेयर फॉल जो हो रहा है फालतू में, बेमतलब हेयर फॉल हो रहा है, वो कंट्रोल होगा। पेट की गंदगी, पूरे बॉडी की गंदगी ये हल्दी वाली जो चाय है एकदम निकाल के बाहर फेंक देगी, बिना कोनो टेंशन के, बिना कोनो खर्चा के, बिना कोनो ड्रामेबाजी के। तो जो हल्दी है टर्मरिक है, इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगी, गंदगी साल एकदम कांच के बाहर निकाल देगी। जब गंदगी नहीं रहेगी तो आपके पेट में कोई समस्या नहीं होगी, आपकी बॉडी में कोई समस्या नहीं होगी, बीमारी आपके अंदर आएगी नहीं, आपकी इम्यूनिटी जो है पूरी, प्रतिरोधक जो क्षमता है पूरी स्ट्रांग हो जाएगी, आप हमेशा फिट एक्टिव और तगड़े रह सकते हो। तो हल्दी इतनी पावरफुल चीज है, सबके घर में थी, तुम्हारे घर में थी, तुम इसके बारे में जान नहीं रहते, अब हम बता दिए, हल्दी तुम इसे प्रयोग करो अपने रूटीन में, हल्दी ऐड करो, आप देखोगे बहुत तगड़ा फिटनेस में काम करता है हमारे भाई, हम खुद ट्राई करते हैं। और हमारे भाई अगर आपको अपने लिए वर्कआउट प्लान या डाइट प्लान चाहिए तो आपको सिर्फ 199 रुपया पे करना होगा, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा देसी जिम फिटनेस टीम का, हमारी टीम का, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या व्हाट्सअप करके अपना डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान ले सकते हो, अपना फिटनेस गोल जो है उसे आसानी से अचीव कर सकते हो। इतने कम पैसा हम डाइट प्लान हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हर एक गरीब परिवार का बंदा, हर एक मिडिल क्लास वाला बंदा आसानी से अपनी फिटनेस गोल अचीव कर लगे। इससे ज्यादा लोग गुटखा खा के सिगरेट पी के साइड कर देते हैं और रिचार्ज डला लेते हैं हमारे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करो, लिंकवा कहाँ है डिस्क्रिप्शन में है। खुश रहो, मस्त रहो, बवाल मचाते रहो, अपने आपको फिट बनाओ, जब फिट रहोगे आगे बढ़ने दुनिया कोनो ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जय हिंद।